हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ACHS टेक्नो। आपने बहुत से बार देखा होगा कि कोई इंडस्ट्री में, कारखानों में कॉन्ट्रैक्टर लेवल के लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, तो उनके साथ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है। अगर ऐसी कॉन्ट्रैक्टर लोगों की दुर्घटनाएं बढ़ गई तो उनकी फैमिली सफ़र करती है, उनके फैमिली में फाइनेंशियली आ जाती है, आर्थिक रूप से फैमिली कमज़ोर हो जाती है। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हर कंपनी, कारखानों में या कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें टॉप मैनेजमेंट को अप्रोच करके कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा वाई कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। किसी भी कारखाने में, कंस्ट्रक्शन साइट या इंडस्ट्रीज में काम करते समय या कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में कार्य करते समय कॉन्ट्रैक्टर लोगों की, मजदूरों की सुरक्षा के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट एक बहुत भरोसेमंद टूल है, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्टर लोगों की सुरक्षा पर बहुत से इंडस्ट्रीज में ध्यान कम दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके साथ दुर्घटनाएं होती है और उनके परिवार पर आर्थिक रूप से संकट आ जाता है। जबकि कोई भी कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय की सुरक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहती है और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय को कम आंकती है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की जांच करने पर ऐसा पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर अंडर काम करने वाले मजदूर या वर्कर की दुर्घटनाओं का प्रमाण ज़्यादा है और वो लोग अधिक दुर्घटना का शिकार होते हैं। यह दुर्घटना का एक मुख्य कारण है कॉन्ट्रैक्टर की सुरक्षा पर होने वाले खर्चों में कटौती, और सुरक्षा पर बहुत कम से कम खर्च करने का प्रयास होता है और जितना कम से कम में काम चला जाए उसका प्रयास होता है। कंपनी में PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देने की वजह से कई बार वर्कर के खराब PPE मिलने की वजह से या डैमेज कंडीशन में PPE मिलने से मजबूरी के साथ उनको पहनना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनके साथ दुर्घटना हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो इंडस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्टर की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है, सुरक्षा में खर्चों में बढ़ोतरी की है और एक्सीडेंट का प्रमाण कम किया है, और कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के लिए या कॉन्ट्रैक्टर चयन करने के लिए कुछ नियम है, वो इस प्रकार से है। सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित सभी डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास होना चाहिए और उन डॉक्यूमेंट का एविडेंस भी उसके पास होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के काम की जोखिम का आकलन करके उसके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर या एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन का और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। प्लांट कंपनी के अंदर जो भी टूल्स, टैकल्स और मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है उनका चेकिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए और उनका रेगुलरली चेकिंग होना चाहिए। हर कॉन्ट्रैक्टर का हेल्थ और सेफ्टी का हर महीने का परफॉर्मेंस ट्रैक करना चाहिए और उसका रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई कंपनी में अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट लोग काम कर रहे हैं तो किस कॉन्ट्रैक्टर ने सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और कितने वायलेशन है और कितने एक्सीडेंट हुए हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए और उसके हिसाब से उनको रेटिंग देना चाहिए। बेस्ट परफॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड देके उसको सम्मानित करना चाहिए, जिससे देखकर उसकी प्रैक्टिसेस बाकी के लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग फॉलो करेंगे। हर कॉन्ट्रैक्टर ने टूल बॉक्स टॉक या ट्रेनिंग करके ही हर नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना हुई है तो उस एक्सीडेंट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके
उसके करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। सभी प्रकार के पीपीई, उपयोग में आने वाले पीपीई को रेगुलरली इंस्पेक्शन करना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट्री में आने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का ESIC, PF या हेल्थ इंश्योरेंस चेक करके ही उसको काम करने देना चाहिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए हैं, रूल्स बताए हैं, उस नियमों का पालन करके कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय के साथ होने वाली दुर्घटना को कम करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल ऐसे ही HS टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।